मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है उसी को निरीक्षण करने में आज आई थी और व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। कल तक 299 यहाँ पे ये नॉमिनेशन दाखिल नामांकन दाखिल किए गए हैं और सभी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। पेपर का भी मैंने निरीक्षण किया है, सभी पेपर का मिलान करके यहाँ नॉमिनेशन लिया जा रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर और मैं मौजूद हूँ रक्सौल इंडोर स्टेडियम के पास और यहाँ पे नामांकन का आज तीसरा दिन है और यहाँ पे जो एक मेन गेट है यहाँ से प्रस्तावक और प्रत्याशी ही अंदर जा सकते हैं। विधि व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर नामांकन किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं इनसे भी जानते हैं। सर, यहाँ पर अंदर यानी प्रस्तावक और कैंडिडेट के अलावा कौन कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रस्तावक और प्रत्याशी ही अंदर जा रहा है, बस दो ही है वो। यानी और सब कोई परेशानी तो आप लोग? ना, कोई परेशानी नहीं है, एकदम सब सुरक्षा, सब सुरक्षा है, सब। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं जो काउंटर है यहां पर वार्ड सदस्य के लिए और देख सकते हैं जो इंडोर स्टेडियम है यहां पर नामांकन हो रहा है और जो देख सकते हैं कि जो काउंटर संख्या है 12 और 11 सभी खाली है, एकदम बिल्कुल भीड़ नहीं है और एक आध दो आदमी है जो अपना नामांकन कर रहे हैं एकदम। और इधर भी देख सकते हैं जो मुखिया प्रत्याशी हैं और पंच पद के लिए हैं उन लोगों का भी जो है खाली है, पूरा काउंटर कोई नहीं है, आज भी भीड़ उठना भी नहीं है और नामांकन का आज तीसरा दिन है। और तस्वीर में आप सीधे देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको खाली ही खाली नज़र आएगा।